की वीडियो में आपको सर्दियों के मौसम में तुखमलंगा को इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरानकुन फायदों के बारे में भी बताएंगे और सर्दियों में आपने तुखमलंगा का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताएंगे। बेहद मामूली समझे जाने वाली चीज तुखमलंगा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। अगर सिर्फ एक खाने के चम्मच तुखमलंगा की बात करें तो उसके अंदर आपकी डेली की जरूरत का तकरीबन 15% कैल्शियम मौजूद होता है जो कि दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। फिर चाहे आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, उठते बैठते हड्डियों और जोड़ों से आवाजें आती हैं, तो तुखमलंगा बस इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ ही दिन में हड्डियों, जोड़ों और दांतों के तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसी तरह सिर्फ एक खाने की चम्मच तुखमलंगा में आपकी डेली की जरूरत का 10% आयरन मौजूद होता है, 10% मैग्नीशियम मौजूद होता है और बाकी तमाम ही जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी भारी मिकदार में पाए जाते हैं। तुखमलंगा इस्तेमाल करने से जिस्म में ताजा खून बनता है। अगर आपकी बॉडी में भी खून की कमी है जो कि पाकिस्तान और भारत में ज्यादातर लोगों की बॉडी में होती है, तो तुखमलंगा के इस्तेमाल से कुछ ही दिन में जिस्म में होने वाली खून की कमी दूर हो जाती है। इसी तरह सिर्फ एक खाने के चम्मच तुखमलंगा में आपकी डेली की जरूरत का 25% से ज्यादा फाइबर मौजूद होता है। यही वजह है कि तुखमलंगा को इस्तेमाल करने से आपका हाजमा मजबूत होता है, बदहजमी, पेट और मेदे के मसाइल का खात्मा हो जाता है। सर्दियों में ज्यादातर लोगों को कब्ज का सामना करना पड़ता है या फिर रोजाना उनका पेट खुलकर साफ नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर वो सर्दियों के मौसम में तुखमलंगा को इस्तेमाल करते रहें तो न सिर्फ उनकी पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाएगा बल्कि रोजाना खुलकर पेट भी साफ हुआ करेगा। तुखमलंगा का इस्तेमाल पेट, मेदे और आंतों के कैंसर के होने के खतरात को भी कम कर देता है। इसी तरह अगर आपके मेदे में अल्सर बन चुका है या आंतों में जख्म वगैरह हो चुके हैं तो तुखमलंगा को इस्तेमाल करें, कुछ ही दिन में मेदे और आंतों के जख्म हील हो जाएंगे। तुखमलंगा का इस्तेमाल आंतों की सफाई करता है। आंतों में जमे हुए जितने भी गंदे और फाजल मादे होते हैं जिनकी वजह से खाने में मौजूद न्यूट्रिशन जिस्म का हिस्सा बन नहीं पा रही होती, तुखमलंगा के इस्तेमाल से आंतों में जमे हुए वो तमाम गंदे और फाजल मादे खारिज हो जाते हैं, जिसके बाद खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन आपके जिस्म में जज्ब होने लगती है। इसी तरह अगर आप मोटापे का शिकार हैं और लाख कोशिशें करने के बावजूद भी आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा, तब भी तुखमलंगा को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तुखमलंगा के इस्तेमाल से न सिर्फ बेजब भूख में कमी आती है क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होती है, बल्कि तुखमलंगा आपके स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर देती है जिस वजह से तेजी से आपका वजन कम होने लगता है। तुखमलंगा का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि तुखमलंगा न सिर्फ खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करता है बल्कि दोबारा से एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से भी रोकता है। अगर शुगर के मरीज इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं। तुखमलंगा जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। इसी तरह अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज तुखमलंगा का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज और कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यही वजह है कि तुखमलंगा आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि ये हार्ट अटैक और दिल के अमराज की दोनों वजूहत यानी कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तुखमलंगा में जो सबसे कीमती चीज पाई जाती है वो है इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। वही ओमेगा-3 फैटी एसिड जिसके लिए डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स मछली इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड आपके दिल, दिमाग, असाबी निजाम, आंखों यानी जिस्म के हर हिस्से के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है। आजकल बढ़ती महंगाई की वजह से ज्यादातर लोग मछली को तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तुखमलंगा को हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तुखमलंगा गुर्दों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये पेशाब आवर है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से गुर्दों की सफाई हो जाती है। इसी तरह पेशाब की नाली में अगर किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो गई है तो वो भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है।